साथियों, तीन चार दशक पहले जब देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो खूब ढोल नगाड़े बजवाए गए थे कि बहुत बड़ा सुधार हुआ है। फिर समय के साथ ये पाया गया कि इतने सारे बैंकों की व्यवस्था की भी अपनी खामियां हैं। आप लोगों के यहां ही एडिटोरियल लिखे जाते थे, इकोनॉमी के जानकार मांग करते थे कि देश में बैंकों की संख्या बढ़ाने के बजाय मजबूत, ताकतवर, अच्छी बैंक होना जरूरी है। संख्या कम हो लेकिन ताकत ज्यादा हो, और तब जाकर के ग्लोबली भी हम बैंकिंग सेक्टर में प्रभावित होंगे। आज मुझे खुशी से कहना है कि हमने बैंकों के मर्जर का साहस किया, बैंकों का मर्जर किया। इतना ही नहीं, बैंकों को ताकतवर बनाने के लिए, रिकैपिटलाइजेशन के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए की राशि भी दी है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी ने करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए की वापसी सुनिश्चित की है। इसी तरह के बहुत से रिफॉर्म्स के बाद, बहुत से बड़े फैसलों के बाद आज देश का बैंकिंग सेक्टर पहले से काफी मजबूत स्थिति में है। मैं आज फिर आपके माध्यम से देश के प्रत्येक बैंक कर्मचारी को यह भरोसा देना चाहता हूं कि पुरानी स्थितियों से हम बाहर निकल आए हैं। अब आपके जेन्युइन बिजनेस डिसीजन पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे। किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले किसी सर्विंग फाइनेंस और बैंकिंग एक्सपर्ट से स्क्रूटिनी कराने से जुड़े दिशा निर्देश भी आने वाले बहुत ही कम समय में हम जारी करने वाले हैं। आज जो बैंकिंग सेक्टर पर एक दबाव है, तनाव है, उससे मुक्ति दिलाना ये भी तो सरकार का काम है और हम करेंगे। अगर बैंक में बैठा हुआ व्यक्ति डिसीजन लेने से डरता है, उसको चिंता रहती है, तो निर्णय नहीं कर पाएगा और सरकार उसको असहाय नहीं छोड़ सकती है। उसकी सुरक्षा करने के लिए सरकार पूरी जिम्मेवारी लेती है और तभी तो देश आगे बढ़ता है। और मैं ऐसा हूं, मैं जिम्मेवारियों से भागने वाला इंसान नहीं हूं, मैं जिम्मेवारियां खुद लेता हूं। साथियों, आज यहां इस हॉल में बहुत से लोग हैं जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। ब्लैक मनी के अंधाधुंध प्रवाह ने रियल एस्टेट सेक्टर की क्या हालत की थी आप सभी को पता है। आज भी सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जो बरसों से ईएमआई दे रहे हैं, किराए के घर में रह रहे हैं और अपने सपने के घर का इंतजार कर रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर को इस स्थिति से निकालने के लिए, अधूरे और अटके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए सरकार ने हाल में एक स्पेशल विंडो भी बनाई है। इसके तहत 25,000 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मध्यम वर्ग के एक बड़े हिस्से का अपने घर का सपना पूरा होगा और जल्द पूरा होगा। इसके अलावा सरकार अपनी योजनाओं के तहत जो 2 करोड़ घर बनवाने जा रही है, जीएसटी में छूट, ब्याज में छूट जैसे फैसलों से भी इस सेक्टर को बहुत मदद मिलती आ रही है।